Very good morning, students. I am Jasminder Kaur, your political science teacher from DAV Public School. Today we are going to start chapter 1st, Cold War era. Let's discuss Cold War. Cold War means war without weapons. If we want to know Cold War, firstly we will go to background. Background means World War II, 1939 to 1945. 1939 war was started or 1945 it was ended. On that time, Raji, two powers were there. Allied power, Axis power. Allied power, four countries were there. USA, USSR, Britain, France. And Axis power, three countries were there. Germany, Japan, Italy. First, we will discuss Axis power, like Germany. Germany, जो country था, उस पर इन तीन countries ने मिलकर इनको घेर लिया. क्यों? क्योंकि जो हिटलर थे, उस time बहुत ज़्यादा ambitious हो चुके थे. तो उन ambitious होने के कारण उन्होंने suicide कर लिया. तो ये जो country था, वो ख़त्म हो गया. ये इस game से out हो गया. Second, Italy. इटली को यूएसए ने क्या कर लिया? बंदी बना लिया. तो ये भी इस गेम से आउट हो गया. थर्ड, जापान. जापान जो था, उस पर यूएसए ने अटैक किया. एटॉमिक बम जो थे उस पर फेंके, उसके टू सिटीज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी. तो अभी भी वो प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं. तो ये जो कंट्री था वो भी फिनिश हो गया. तो एक्सिस पावर जो थी पूरी तरह से फिनिश हो चुकी थी. तो क्या कौन सी पावर बची हमारे पास? अलाइड पावर. ऑन दैट टाइम अलाइड पावर में फोर कंट्रीज वर देयर, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस. बट ब्रिटेन और फ्रांस आर स्मॉलर कंपैरेटिव यूएसए एंड यूएसएसआर. तो ये कंट्री जो थी वो मर्ज हो गई और यूएसए एंड यूएसएसआर जो थी वो फॉर्म में आ गई. USA और USSR, but दोनों की आइडियोलॉजी जो थी, दैट इज़ द डिफरेंट. USA जो था वो उसका किस में बिलीव था? LCD means लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेटिक. कैपिटलिज्म means प्राइवेटेशन. बट जो USSR थी वो बिलीव किस में करती थी? SA, सोशलिज्म, कम्युनिज्म. सोशलिज्म क्या था? स्टेट ओनरशिप थी. कम्युनिज्म वन पार्टी सिस्टम था. 70 इयर्स तक यूएसएसआर में एक पार्टी का रूल रहा है. तो बट दोनों का मेन पर्पस क्या था? टू एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. फेमस अमेरिकन स्टेट्समैन हुए हैं मिस्टर बर्नार्ड ब्राउन. उन्होंने इसको नेम दिया था कोल्ड वार बिटवीन सोवियत यूनियन एंड अमेरिका. बट क्रेडिट ऑफ दिस टर्म गोज टू वाल्टर लिपमैन, हु हैड मेड यूज ऑफ दिस टर्म टू एक्सप्लेन द टेंशन एंड कॉन्ट्रोवर्सीज बिटवीन द रिलेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड यूएसए. जवाहरलाल नेहरू हैड गिवन द नेम ऑफ ब्रेन वार, नर्व वार, प्रोपेगेंडा वार. मीनिंग ऑफ कोल्ड वार. कोल्ड वार मीन्स म्यूचुअल वार, वार ऑफ नर्वस, वार ऑफ आइडियोलॉजीज, वार ऑफ कंपटीशन. अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग, कोल्ड वार इज ए वार दैट इज ए फाउट नॉट इन द बैटलफील्ड बट इन द माइंड्स ऑफ मैन. वन ट्राइज टू कंट्रोल द माइंड्स ऑफ अदर. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल्ड वार. कोल्ड वार वॉज ए स्ट्रगल बिटवीन यूएसए and USSR for supremacy. Second, Cold War was a fight for supremacy between two ideologies, capitalism, communism. Third, during Cold War, both the superpower had tried to include newly independent countries of Asia, Africa and Latin America into their respective blocs. And for this purpose, both the superpowers had given economic and military aid
टू देयर कंट्रीज. फिफ्थ, कोल्ड वॉर वॉज नॉट ए हॉट वॉर, रैदर इट वॉज फाइट ऑफ वर्ड्स. ड्यूरिंग कोल्ड वॉर द वेपन रेस बिकम वेरी फास्ट. थैंक्स, हैव ए नाइस डे.